हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की एंड्रॉइड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता तो अपडेट पे टैप करके अपने मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला काम आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है, जिस सिम से आपकी कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अगले पेज में आपको ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसका अगला पेज APN का होता है, इसमें आपको नीचे की साइड ये रीसेट पे आपको टैप कर देना है, तो आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाता है, ये देखिए रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला काम आपको करना यह है कि आपको अपने फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन शो हो जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर में, ये देखिए रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। तो ये जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं ना, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पर टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको ओके पे टैप कर देना है। तो आपको थोड़ी देर में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रिबूट करना है। फोन को रिबूट करने के लिए आपको फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रिबूट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम और करना है। देखिए, आप जो अपने मोबाइल फोन का कॉलिंग का रिचार्ज कराते हैं ना, उसे आपको एक बार चेक करना है कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है कि फोन का कॉलिंग का रिचार्ज हमारा खत्म हो जाता है, जिसके कारण भी फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है ना, रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से एक लिखना है, तो आपको नीचे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपको फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन में फोन की जो कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।